बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हम सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान है, रहीम है, करीम है, अव्वल है, आखिर है। सबसे पहले दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुम्मे का मुबारक दिन है जी, और अभी खुतबा भी स्टार्ट नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं, काफ़ी जल्दी हैं। अभी जाके खुतबा वगैरह सुनते हैं, जुम्मा अदा करते हैं, आप भी अदा कर लें, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अभी खुतबा स्टार्ट नहीं हुआ, फिर स्पीकर बोल रहे हैं, और धूप देखें, ये देखें, गर्मी कमाल होएगी भैया, बहुत कमाल गर्मी पड़ रही है। ये देखें, चेक करें, ये देखें, ये चेक करें, ये मतलब कुरान पाक की तलावत सुनी जा रही है, माहौल के साथ पूरे हैं। नहीं जी, घर में पहुंच चुका हूँ, बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है, बस आगे पानी शानी पीते हैं, खाना वाना लगने लगा, फिर खाना खाते हैं। माशाल्लाह से जी, दस्तरखान लग चुका है। ये कुछ फ्राइड आइटम्स हैं, यहाँ पे क्या है जी, चावल हैं, यहाँ पे क्या है, कीमा है, माशाल्लाह कीमा है, और ये क्या है जी, आड़ू का जूस, आड़ू का जूस है, सैलड है, रहीम है, हमजा है। खाना वाना खा के जी निकला था मैं, ज़रा खत वगैरह बनवाने, दाढ़ी शाड़ी बनवा ली है, अब वापस घर जा रहे हैं। बड़ी शदीद किस्म की धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। बच्चे जो है ना, वो भी निकल गए हैं कज़न्स की तरफ, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट है तो उनकी मस्ती भी स्टार्ट है, तो बस मैं भी घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। लैपटॉप पे काम शाम करके फ्री हो गया जी, 3 से 4 घंटे काम करता रहा हूँ मैं, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम ख़त्म हो गया है, और अब मैं टोपी शोपी पहन के वज़ू वगैरह बना के इशा की नमाज़ पढ़ूँगा, और फिर आपसे मुलाकात करूँगा। नई सुबह से जी अस्सलाम वालेकुम। रात को बच्चे भी चले गए थे, आपको बताया था, हम भी बस खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत टीवी देखा और सो गए। आज यार सुबह उठ के ना, बस वो जो एक कीड़ा जाग पड़ता है ना, साल बाद टूर पे जाने वाला, पारों को देखने वाला, अल्लाह की कुदरत को एंजॉय करने वाला, वो कीड़ा जाग गया, बड़ी ज़ोर से जाग गया। तो बस जो है ना, बड़ी याद आ रही है, जब ऐसे याद आती है ना तो टूर भी प्लान करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले जो है ना, फिर जब याद आती है तो फिर हम लैपटॉप खोल के ना तो नज़ारे इंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इस साल आपको भी साथ में इंजॉय कराऊं नज़ारे, आ जाए मेरे साथ। लैपटॉप के आगे मैं बैठ चुका हूँ जी, और लैपटॉप के आगे बैठ के ना मैंने सामने जो है वो लास्ट टूर जो हमने किया था, तब मैं व्लॉग नहीं बनाता था वो, लेकिन वीडियोस तो हर जगह बंदा जाता है बनाता है, तो उसका मेरे पास फोल्डर पूरा पड़ा है। हम गए थे शोगरा, और डेट आ रही है मेरे पास 10 जुलाई, 10 जुलाई को हम शोगरा का टूर किया था, तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से आगाज़ होता है जी हमारे टूर का, गाड़ी माशाल्लाह 100 पे जा रही है मोटरवे पे, और आप भी चलें इसी के साथ, इसी के अंदर चलें आप। सबसे पहला शुगर लगाया जी हमजा के साथ भेरा स्टेशन पे, पेट्रोल बढ़वाने के लिए हम गाड़ी वहाँ रोकी, और ये स्टोर पे चला गया कुछ चीज़ खाने पीने की चीज़ें लेने, वापस आया तो हमने गाड़ी भी गायब कर दी, खुद भी छुप गए, और ये देखें कैसे हमें ढूंढ रहा है। ये हमारा अगला स्पॉट, हमारा अगला जो हमने स्टॉप ओवर किया वो था कलर कहार के पास, एक ये वेस्ट इंडिया बना हुआ था। ये टनल वगैरह क्रॉस करने के बाद पहला नज़ारा जो हमने गाड़ी से बाहर निकल के एंजॉय किया, जहाँ अल्लाह की कुदरत के पहाड़, आसमान, और नीचे बहता पानी, दरिया, सब अल्लाह की कुदरत जो है वो एक ही जगह देखने को मिली। शुगरान ऊपर चढ़ने से पहले ये नज़ारा बीच में आया, तो मैंने गाड़ी से बाहर निकल के ये सारा नज़ारा एंजॉय किया यहाँ पर।
इसके बाद जो है हम 5 बजे वहाँ पहुँचे और इतनी शदीद किस्म की बारिश कि हमें मजबूरी में जो सामने होटल था वही लेना पड़ा। बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी वहाँ ऊपर लेके गए, गाड़ी स्लिप हो ऊपर ना चढ़े, बड़ी मुश्किल से बहरहाल वो होटल मिला, जो भी था सब्र शुक्र करके होटल लिया। और अब आपका दिखाते हैं कि वो वाला होटल कौन सा था। चलें जी, रेस होने लगी है, ये देखें जी। ये देखें, मोटे प्लेयर गिर गए और छोटे प्लेयर पहुंच गए। ये देखें, यहाँ सामने से बनाते ज्यादा अच्छा था। नहीं डिला
जी तो सारा दिन जो है ना वो मस्ती करने के बाद वहाँ पे आपने देखा कि ऐसे सारा बाग एक बड़ा सा है वहाँ पे सारा दिन बच्चों ने खेला, राइड्स की, बड़ा कुछ किया। और उसके बाद अब हम थक हार के थोड़ा आराम के बाद रात को आ गए हैं यहाँ पे मार्केट के पास है शोकरा में खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हम कोई डिनर का इंतज़ाम करेंगे अभी, और यही एक स्पॉट है वहाँ पे ज़्यादातर जो चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा होटल जो है वो मैंने नया ले चुका हूँ, और ये उस होटल की नहीं, ये वहाँ पे एक होटल है पाइन होटल, ये उसकी बिल्कुल बैक पे हम गए हैं। क्यों गए हैं, यहाँ पे एक डेंस जंगल है पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जंगल में आप आवाज़ मारें तो उसका वोकल बनता है, रिफ्लेक्ट होके आवाज़ वापस आती है। ये है जी हमारा नया होटल नेक्स्ट डे का, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल इसके सामने कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ये इधर रूम है, ये जैसे आप देख सकते हैं रूम्स बने हैं, बाहर बैठने को जगह बनी है, और सामने बिल्कुल पहाड़ और बहुत खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह। ये चेक करें। ये जो आपको ज़बरदस्त किस्म का जो व्यू दिखाई दे रहा है, ये है होटल जिसका नाम है, बेसिकली रिज़ॉर्ट है ये वहाँ पे, इसका नाम है सीडार वुड होटल एंड रिज़ॉर्ट। मैं कहता हूँ कि हमें दूसरे रात को जाके पता चला कि ये थोड़ा सा बाहर जाके था, मतलब शोग्रान के अंदर ही है लेकिन थोड़ा सा उस तरफ जाके था, तो ये रात को हम वहाँ गए हैं। और आप मतलब व्यू चेक करें, होटल की वाइब चेक करें, कमाल किस्म की माशाल्लाह। ये जो शुरू शुरू की ज़बरदस्त आवाज़ें आपने सुनी है ना, ये रात के डिनर का इंतज़ाम है जी। डिनर करने हम आ गए थे, वहाँ पे भी भटक रही एक होटल के बाहर था। ये हमदा साहब की मस्तियाँ चेक करें, अंदाज़ा लगाएं, तितली बेचारी को इसने पकड़ लिया है और उसके साथ फुल जो है ना मस्ती वाला सीन इसने ऑन कर दिया। Thank you.
मिस हो गया। फिर मिस हो गया। यहाँ से फिर हम जी वापस सीधा मोटरवे और मोटरवे से सीधा हम घर आ गए। मैं बहुत रिफ्रेश हो गया अपना टूर को देख के और एक्साइटेड भी हो गया हूँ। इंशाल्लाह नया टूर भी प्लान करेंगे। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।